नमस्कार, आप देख रहे हैं केके न्यूज़। मैं हूं आपके साथ कंचन सिंह राजपूत। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। भोपाल के जहांगीराबाद इलाके की चदा कब्रिस्तान में वकील बेटे नमा की कब्र के चारों 20 फीट जमीन घेर कर ग्रीन नेट लगा दी। नेट के अंदर फूल के पौधे लगा दिए। कब्रिस्तान कमेटी ने उससे नेट हटाने को कहा। जब कब्जा नहीं हटाया तो कमेटी ने खुद ही नेट हटा दी। इससे गुस्से में आए वकील ने सोशल मीडिया पर भड़काऊ बयान पोस्ट कर दिया। पूर्व पार्षद की शिकायत पर पुलिस ने उस पर धार्मिक भावनाएं भड़काने का केस दर्ज किया है। जदा कब्रिस्तान में वकील बेटे नमा की कब्र के चारों ओर 20 फीट जमीन घेर कर ग्रीन नेट लगा दी। कब्रिस्तान कमेटी ने इसका विरोध किया तो वकील ने धार्मिक भावनाएं भड़काने का एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल कर दिया। जहांगीराबाद पुलिस ने बताया कि नासिर अली की मां का 1 मार्च को निर्धन हो गया था। जदा कब्रिस्तान में दफनाने के बाद नासिर ने कब्र के आसपास नेट लगा दी। कब्रिस्तान के पदाधिकारी और पूर्व पार्षद रेहान अहमद उफ गोल्डन ने नासिर खान को नेट हटाने को कहा। नासिर ने अगले रोज हटाने की बात कही लेकिन कब्जा नहीं हटाया। कब्रिस्तान के कर्मचारियों ने नेट हटा दिया। इससे नाराज होकर नासिर ने फेसबुक पर भड़काऊ टिप्पणी की। एक संगठन का नाम लिखते हुए गाय को लेकर भी बात कही। यह वीडियो पार्षद के पास पहुंचा। उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पूर्व पार्षद रेहान ने कहा कि इस तरह से सभी लोग अपने परिजन के कब्र के आसपास कब्जा करने लगेंगे तो दफनाने के लिए जमीन नहीं बचेगी। वकील ने करीब 20 फीट का एरिया घेरा था। भोपाल से संवाददाता आदिल खान की रिपोर्ट। सर, जहांगीराबाद में कब्रिस्तान की जमीन को लेकर एक विवाद सामने आया है, जिसमें एक नासिर नाम के व्यक्ति के खिलाफ एक सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट डालने का मामला भी दर्ज हुआ। क्या है? हाँ, ये एक सोशल मीडिया पे मिस्टर नासिर हैं, उन्होंने एक पोस्ट डाला था कि वहाँ पर एक कब्रिस्तान है जहाँ पर कुछ गायें आती हैं, जिनको कोई व्यक्ति है जो लाता है दिन में और रात में वो एक गाड़ी आके उनको भर के ले जाती है। तो वहाँ पर उसके जो केयर टेकर हैं उनसे, मिस्टर रेहान, उनसे बात हुई तो उन्होंने पूरी बात ये बताई कि नासिर को उन्होंने उनकी माँ की कब्र के ऊपर नेट लगा के कब्ज़ा करने के लिए से रोका था। वहाँ पर ऐसा कोई प्रावधान नहीं है उस कब्रिस्तान में कि आप कब्र के ऊपर कोई कपड़ा लगाएं और एक क्षेत्र, एक एरिया वहाँ पे घेर लें। तो इस संबंध में जब उनसे बात की गई तो उन्होंने बताया कि शायद इसी बात से वो खफा थे और उन्होंने इसलिए ये वीडियो बना के, एक फर्जी वीडियो बना के डाल दिया, जिससे सोशल हारमनी को नुकसान पहुँच सकता था और शांति भंग हो सकती थी। तो उसमें 153A और 295A में मामला दर्ज कर लिया गया। अभी के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।